पैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, टॉपिक हमारे पास थोड़े से टॉपिक बचे हैं, इंशाल्लाह थोड़ा उसको हम एंड करेंगे तो आपका तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है मेरी? जी सर। ओके जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अब थोड़े आप फ्रेश फील कर रहे होंगे, ऐसा ही है? जी जी सर। जबरदस्त, आप लोग फ्रेश फील कर रहे थे। मैं जो हूँ मार्केट निकला हुआ था और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती की हुई रेंजर ने। अच्छा भाई, हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका नाम है, मैं पहले अटेंडेंस को लाइव कर दूं भाई, ये फिर वो अटेंडेंस का मसला जो है मसला होगा फिर ये। ठीक है सर। क्योंकि ये मुझे भुला देते हैं ना कि मुझे करना क्या है, क्योंकि क्लास वर्क, क्योंकि क्रिएट, क्योंकि असाइनमेंट, क्योंकि ऑनलाइन मेकअप क्लास। इस पे दोबारा अटेंडेंस लगानी पड़ेगी अभी जो आप बेटा। हाँ ना, हाँ तुमको मसला है क्या? मसला तो नहीं है ना? मसला नहीं। ओ भाई ओ भाई भाई साहब, इसको म्यूट कर दें, मेरे कान फट जाएंगे, तो कुछ सुनाई नहीं देगा मुझे। ठीक है, रात 12 बजे तक आप अटेंडेंस जमा करवा सकते हैं। असाइन कर रहा हूँ मैं, शेड्यूल कर रहा हूँ, 5:15 बजे आपको अटेंडेंस मिल जाएगी और आप इसको जो है वो चला लीजिएगा। तो 5:15 पे आपने इसको रन करना। ठीक है, 5 अप्रैल 5:15 पे अटेंडेंस मिल रही है आपको। ओके, अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, ज़रूर मार्क कर दीजिएगा, वरना आपकी मसला होगा। और आप जो है अगर नहीं मार्क करेंगे तो देखें फिर आपको पता है कि मसले क्या होते हैं। भाई साहब हम मुसलमान हैं, हमें भी अजान समझ में आती है, इसको म्यूट कर दें। ओके, आपके पास जो टॉपिक है आज की डेट के अंदर हमें पढ़ना है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है होता क्या है हमें पढ़ना है आज की डेट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ये आपके पास एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला ये है, e टू द पावर बॉक्स इज इक्वल टू e टू द पावर बॉक्स इनटू बॉक्स ऑफ डैश। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है, सही। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। अगर लिखा हुआ है ey इज इक्वल टू e की पावर 3x, ये हमारे पास क्या है, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे d अपॉन dx, यहाँ लिखेंगे d अपॉन dx और यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे e की पावर 3x, ऐसे ही है जी। अब हम करेंगे क्या, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिखेंगे e टू दी पावर 3x, फिर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3x। ओके, अब ये 3 क्या होगा, ये उठ के जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x इंटू कर्ली ब्रैकेट 3 डॉट, बचा क्या, dx अपॉन dx, dx dx कट गया हमारे पास, जवाब 1 आया। फाइनल जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3e टू द पावर 3x, यही आंसर है इसका। अब आप लिख लें इसको, जी प्लीज लिख लें।
जी भाई साहब लिख लें। जी जी सर लिख रहे हैं। वेट डन सर। ठीक है। अच्छा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं एक सवाल दो सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइए करके, कोई वो गलत कर रहे हैं कोई मसला नहीं। ए की पावर 5x और क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू 3 to the power एक्स स्क्वायर, ये दो सवाल है ज़रा करके बताइए। सर अटेंडेंस लाइव कर भी आप लोग विजिबल नहीं हो रही है बेटा, आ जाएगी सवा पाँच की होगी, 5:16 हो गए, आ गई हूँ। आ गई जी सर, अभी देख लेंगे आ जाएगी। चलो ठीक है। नॉट क्लियर सर जी, नहीं आई यार, मैं देख लेता हूँ खुदा की कसम। आ जाएगी वो पाकिस्तानी क्लास सर, अभी तक के नहीं आई है, आ जाएगी शायद थोड़ी देर। इधर पाकिस्तानी क्लासरूम आ जाएगी। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 5e की पावर 5x, और सेकंड का जबरदस्त गुड। पहले का आ रहा है 5x, 5e 5x, देखो सही है दूसरा। सर जरा दूसरा वाला करवा दें, जरा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों रुकेगा सर, कर रहे हैं सर। दूसरे का आंसर 2ex, मैं करा दूं। पहले का आंसर क्या आ रहा है? मैं करा दूं, मैं करा दूं। ओके भाई, हमारे पास पहला सवाल क्या था? y इज इक्वल टू कितना था, सॉरी y इज इक्वल टू e की पावर 5x था। जी सर ये तो हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब e के ऊपर जो भी चीज लिखी हुई है उसको डब्बे में बंद कर दें, तो e टू द पावर 5x, और इस डब्बे को यहाँ पे लिख दें 5x। अब बताइए जवाब क्या होगा, e की पावर 5x इंटू 5 dx अपॉन dx, dx अपॉन dx क्या हो गया, 1 हो गया। जवाब आया हमारा 5e की पावर 5x, ऐसे ही है जी सर। ओके दूसरा सवाल है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, ऐसे ही। अब रिमशा ने गलती क्या की, रिमशा ने ये गलती की कि ये डब्बा नहीं बनाया है ना भाई,
ऐसे जी क्या? सर अच्छा आप कह जी रहे हैं कि सर क्या e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखे हैं आप डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा अच्छा बोलो? 2x सर, 2x, e की पावर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा इसका? आएगा 2x, 2x और यही जवाब है इसका। इसको आप अगर इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x e की पावर एक्स स्क्वायर, क्या आंसर है? 2xe लिखेंगे, 2ex नहीं लिख सकते, दोनों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें क्या मसला है यार, ये तो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की प्रिसीजन थोड़ी हुई। ठीक है, सही है सर, सही है सर, यस सर, ठीक है सर, आगे करवाएं। ओके चलें आगे। अच्छा आप कुछ क्वेश्चंस हैं जरा मुझे बताइए करके, बस ये वाला सवाल हो गया, फिर यूट्यूब में तो कुछ भी नहीं है। ये है y is equal to e की पावर माइनस x, एक सवाल ये है y is equal to e की पावर, उसके बाद आप बता दें इसमें 1 प्लस x स्क्वायर 3, y is equal to e की पावर रूट x, तीन सवाल हैं, चौथा सवाल है y is equal to 1 अपॉन e की पावर 3x, जरा बताइए करके ये चारों सवाल। सर मेरी तो पहली क्लास में समझ ही नहीं आ रहा। वाह मुबारक हो सर, मेरी भी पहली क्लास, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी पहली क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ। भैया मैं तो एक्चुअली नेट का मसला था, तो ये देखो मैथ्स है, मैथ्स जो है मैं भी अगर 6 महीने नहीं पढ़ाऊंगा या प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सातवें महीने आप बोलेंगे वेरिएबल क्या होता है तो मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हो, तो वो वाली बात है, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप इसको जो है ना जी रट्टा मार दें, इसका पेपर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है जी सर, हाँ ये तो कर सकते हैं ना, यूँ समझें आप जी सर, आप जो है अकेले भी बैठे ना, अगर पहले वाले में माइनस एक्स की कन्फ्यूजन हो रही है सर, क्यों क्यों हो रही है सर? पहले वाले का आंसर क्या आएगा? माइनस ई माइनस एक्स। अबे करवा देते हैं यार तुम लोग, देखो दुनिया में सबसे अच्छे लेक्चर मैथ्स के जो हैं वो खान एकेडमी के होते हैं और पढ़ाने वाले खान साहब हैं, समझ में आई तुम्हें? तो इसका मतलब ये कि मैथ्स जैसी चीज पढ़ाने के लिए मसला नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहें तो ऐसे ही है। और मेरे पास जो बच्चा बैठा है ये निमिषा, ये जिसको पढ़ाता है उसके 100 नंबर आते हैं, खुद के 96 सर बस कर दें, खुद के 96 मार्क्स आते हैं। सही, यूनिवर्सिटी में भी हमें पढ़ाती थी आपकी पिछले वाले लेक्चर उसमें, हां बहुत बहुत अच्छा ज़हीन बच्चा है, मुझे बड़ी खुशी है इसकी। जी जी बस मुझे चाहिए इस दफा के 99 मार्क्स चाहिए, सही है, बीबीए वालों से भी ऐसे मार्क्स चाहिए। ओके पहला सवाल है हमारे पास y = e टू द पावर - x, सही है, आपने क्या करना है दोनों तरफ लगाना है d अपॉन dx, यहाँ लगाना है d अपॉन dx, ठीक है, यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया e की पावर माइनस x, ऐसे ही है। ओके dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर, अब देखो ये वाली चीज को तुम डब्बे में बंद नहीं करोगे तो हमेशा फंसे रहोगे, तुम लिखो d अपॉन dx और यहाँ लिख दो माइनस के x, कोई मसला? ओके अब ये माइनस जो है अंदर आ नहीं सकता, ये माइनस हर हाल में बाहर जाके इंतजार करेगा, e की पावर माइनस एक्स और ये हो गया माइनस, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया डी एक्स, ये हो गया डी एक्स, हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू आ गई 1 और ये कर्ली ब्रैकेट, जवाब आया माइनस e की पावर माइनस एक्स, यहाँ हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हमारे पास जो है जवाब, ये लो पहला सवाल हो गया।
ठीक है, आपको मैंने कहा ई के ऊपर 1 लाख वेरिएबल हो, आप सबको डब्बे में बंद कर रहे हैं। अगर आप डब्बे में बंद नहीं कर रहे, इसको बॉक्स नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि आपके लिए मुसीबत खड़ी जाएगी। अटेंडेंस आ गई? यस सर, अटेंडेंस मार्क कर दी। ओह जबरदस्त। देखिए आपके पास जो बीबीए के स्टूडेंट्स की मैं बम्बई कहना चाह रहा हूँ, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बीटेक के या उसके कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स, ये जो है आपको आइडिया नहीं है ये कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के टक्कर के स्टूडेंट्स हैं ये, क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी पढ़ाई है मैंने, उसकी टक्कर के स्टूडेंट मुझे ज़्यादा ही होंगे उससे ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब अपना रिजल्ट देखेंगे तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे झटका लगे। सही, जैसा इंटर रिजल्ट हो अच्छा ए ग्रेड में हो, इस तरह से आपका रिजल्ट भी अच्छा हो ए ग्रेड में। ये ना हो कि सी एस वाले जो है वो 90-95 पर फ्लोट कर रहे हैं और बी बी ए वाले 65 पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। सही है, वीडियोस को अच्छी तरह से प्रॉपर तैयार कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। सही है, और ये कि कॉपी पे जो है किसी का नाम नहीं होता। सही है, कॉपी पे रोल नंबर होता है, तो आपकी कॉपी बताएगी कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ, बीबीए वालों से बता, आपके साथ जो बैठे हैं ना, मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा दूँ, ये आपके एक्सट्रीम टफ कॉम्पिटेंट्स हैं माशाल्लाह। उसमें माशाल्लाह रिमशा है, माशाल्लाह असद इमरान है, माशाल्लाह फरोजुलैन है। आपको नॉर्थ के अंदर भी आपको बहुत टफ टाइम देने वाले स्टूडेंट मौजूद हैं, एक्सट्रीम टफ टाइम देने वाले फिरोजा हैं, जीनत हैं, ये लोग हैं, बड़े टफ टाइम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो सर मुझे वो अभी तक अटेंडेंस नहीं आई, मैंने ईमेल सेंड की है। मतलब? हाँ, वो ईमेल अटेंडेंस की ईमेल मुझे नहीं आई। आपने क्लास ज्वाइन की थी? जी सर मैंने ज्वाइन की है। ज्वाइन की है, आपका ईमेल वही लिखा है आपने? जी बेटा, मुझे एक मिनट दो जी सर, खान साहब का मसला थोड़ा सॉल्व कर दूंगा। जी सर, क्लास नहीं ले रहा। हाँ, आप मुझे बताइए, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, आप बताएं आपका कौन सा नाम क्लास है? हाँ, मेकअप क्लास है। आपकी जो क्लास नाम लिखा हुआ है ये बताएं कौन सा नाम है आपका? ये मैं चला रहा हूँ, वही मीटिंग आईडी पे आ जल्दी से, पहले आधी क्लास हो चुकी है। ये देखें आप, कोई नाम आ रहा है आपका? आपका नाम क्या है? चले सर, अभी देर से नहीं करो, मेरा सर गलत अब पर मॉर्निंग में भी क्लास थी, मॉर्निंग की तो मैं ली नहीं। अबे नाम बता दो सर। मेरा आज सर मेरी अटेंडेंस भी लगी। मेराज जी सर, सर मेरा मेराज जी सर, मैंने मैं ये क्लास ऐड करो भाई। भाई चाचा सबसे पहले ये क्लास ऐड करो, ये क्लास ऐड करो, गूगल क्लासरूम पे जाओ, इसको ऐड करो। ओके सर, ये कोड डालोगे क्लास ज्वाइन कर लोगे। सर जी वो तुम ऑलरेडी सर जो क्लास टाइटल है ना सर, उसके ऊपर ना टाइमिंग भी मेंशन कर देना सर, थोड़ा इशू होता है क्योंकि दूसरे क्लासेस भी ऐड है ना, तो वो मिक्सअप हो जाता है। बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे हो ना, आ रहा है ना इसके ऊपर, बेटा ये लिखा हुआ है इधर, चाचा ये इधर लिखा हुआ है, देखो। ओके ओके हो गया। नहीं नहीं सर, क्लास टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ मिराज, आपने ऐड कर लिया? सर अभी करता हूँ मैं, लेकिन सर ऑलरेडी तो ऐड है मेरे साथ। कहाँ ऐड है? एडवांस में। बेटा तुम लोग कौन सर लो? मेरे पास ये मैं मिराज नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, MIR, बताओ कहाँ है यहाँ पे? सर यहाँ मुझे आ रहा है एडवांस में, एडवांस बिजनेस में। यार वो कोड जो है वो गूगल शीट के ऊपर गलत डाला हुआ है, ये वाली क्लास है, उसको लीव कर दो। अच्छा ठीक है, चार सवाल हो गए, ये कोड डालो जल्दी से, मैं क्लास रुक रही है मेरी। आप रिमूव कर दें ये, मैंने कोड ग्रुप पे भेज। अबे यार भाई गॉड, ठीक है सर मैं कर लेता हूँ, मैंने नोट किया हुआ है सर, होगा ये चार सवाल सर। ओके गुड, अब अगला सवाल भी लेके जा रहा हूँ। देखिए
देखिए मेरे पीएचडी मैथ्स के अंदर 97 मार्क्स है आउट ऑफ 100 पीएचडी मैथमेटिक्स में. ओके तो आप अंदाजा wow, हाँ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे किताब भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट करवाता हूँ. तो इसका मतलब ये कि मुझे आप लोग भी ऐसे ही चाहिए और मुझे आप लोग ऐसा करके देते हैं, भले कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, भले CBM हो, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी हो, आप लोग हो, आप लोग तो मेरे ख्याल से अगर मैं KU वालों से मिलवाऊँ आपको तो आप लोग उनको लीड कर जाओगे. वो लोग होते हैं अच्छे, ये बात नहीं है, बुरे नहीं होते, मगर आप जैसे ही होते हैं उसको पढ़ नहीं होते. ओके y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर क्वेश्चन है. देखें पहली चीज आप क्या करें, ब्रैकेट के अंदर डब्बे को, ठीक है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया e टू द पावर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर. 1 का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, d अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या है ये रहा, और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गया. जवाब क्या हुआ, e टू द पावर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, 0 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, आपने इसको लिखा, फाइनल जवाब लिखा आपने 2x e टू द पावर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया. मुबारक हो. यस सर, नहीं सर, जबरदस्त अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है. जबरदस्त आ रहा है, बस सही है. नंबर मुझे चाहिए आपके 95 प्लस. इंशाल्लाह सर. मुझे नाम याद नहीं रहते और ये कभी गलत नाम बोल दूं तो माइंड में कीजिएगा, ये सारे वाले जानते हैं. मैं बार बार रिमशा को कुछ और कह रहा होता हूँ, ऐसा है या नहीं है, या मैं एनी को जो है जैनब कह देता हूँ या पता नहीं. जी जी सर याद है. हाँ तो इसको आप माइंड में कीजिएगा, तो आप गलत बता भी दीजिएगा. yes, मुझे नाम याद नहीं रहते इतने, तो मैं कुछ से कुछ नाम बोल देता हूँ. yes, आप उसको माइंड नहीं करना आपको. yes, ये आज से समझ में आ रहा है आपके मोहम्मद आज से. यस सर जी जी बिल्कुल आ रहा है. पेपर में आ रहे हैं नंबर फुल. जी सर फुल मार्क्स आ रहे हैं पेपर में. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चले आगे. यस सर बिठा दूं से. जी सर. यस सर. सर एक मिनट रुक जाए. जी सर बेटा. सही है.
माइनस के हाफ आपके पास आया, इन शॉर्ट से जवाब आया आपके पास e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आंसर है इसका। ठीक है, जी लिख लीजिए। जी सर लिख लिया। ये आगे चलें। जी सर। और एक पूरा रूट। भाई जल्दी से लिख लो। अच्छा माइक ऑफ कर लेते हैं। क्या कौन है फिल्म भी देख रहा है और क्लास भी ले रहा है? ओके हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4। y is equal to e to the power minus के 3x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो जवाब क्या हुआ, dy by dx is equal to e to the power minus 3x d upon dx, और यहाँ पर minus के 3x आपने लिख दिया। सर आप बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सही है, अब ये minus 3 जो है क्या आएगा हमारे पास, बाहर आ जाएगा। ये minus 3 क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। हम लिखेंगे e टू दी पावर माइनस 3x, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस 3 dx अपॉन dx, और जवाब हो गया 1, ये हो गया माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, ये इसका जवाब है। ठीक है, यस सर। ऐसे ही है, यस सर। ओके जवाब है सर। मेरी अटेंडेंस नहीं लगी अभी तक, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे लगानी है, बता दें सर एक दफा। पहले क्लास ले लो, अटेंडेंस का मसला कोई भी नहीं है, वो मैं देख लूंगा, मगर पहले क्लास तो लो। और तुम्हें देखो कहीं ना कहीं तुमने गड़बड़ की हुई है ना, किस्सा आ रहा है, तुम नहीं आ रहे। ऐसा है या नहीं है? हो गया सर। अच्छा मैं अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, आप ये असाइनमेंट जो है असाइनमेंट 2 के नाम से, मिड असाइनमेंट 2 के नाम से ये आपके पास अभी अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और जब तक क्लास जो है वो साइन आउट होगी हमारे पास, दोबारा से कनेक्शन मैं करवा दूँगा सारों को, तो जब तक आप ये सवाल जो है करके और जैसे आपने जमा करवाया था वैसे ही जमा करवाएंगे, टर्न इन करेंगे, उसको स्टीम पे मत डालिएगा। ओके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान से हैं, तो आपके पास है असाइनमेंट मिड टू। इससे पहला सवाल है y इज इक्वल टू e की पावर 4x माइनस 2। दूसरा सवाल y is equal to 1 upon e to the power 9x. Question number 3. y is equal to e raised to the power under root 3x. बस ये तीन सवाल हैं, इसका स्नैप ले लें आप। सही है, मैं वहाँ पे गूगल क्लास के अंदर जो है आपको ये जाके असाइनमेंट में ऐड करवाता हूँ और ये असाइनमेंट आपने करना है बैठ के। ठीक है।
है, जब तक ये क्लास एंड हो रही है, 2 मिनट बाकी है इस क्लास को एंड होने में। मीन वाइल जो है आप उसको असाइनमेंट करते रहेंगे और बीच में क्लास भी ज्वाइन कर लेंगे आप, और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं यू इंटू वी, ठीक है। और आप मुझे जो जिनका ऐड नहीं हुआ इसी चैट के अंदर मुझे अपना ईमेल भेज दें ताकि मैं आपको ऐड कर दूँ। जिनको क्लास में ऐड नहीं हुआ वो मुझे ईमेल भेज दें ताकि मैं उस क्लास में ऐड कर दूँ आपको। सर ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, e^9x? 9x ओके सर। अच्छा आप मेराज गूगल क्लास के अंदर पहुंच पाते हैं या पहुंच नहीं पाते? सर मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया, पहले किया था, किसी ने कोड शायद गलत दिया था। अच्छा मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। और अब दिख रहा है आपको? जी सर अभी ऐसा मेरा हो गया, लेकिन सुबह वाला नहीं हुआ, उसका मैं क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगा देना, 12 बजे का टाइम है। सर और ये असाइनमेंट्स जो पहले हुए हैं और लेक्चर वगैरह उसका बेटा, ये असाइनमेंट 2 है, इसको असाइनमेंट 3 होगा, भी छुट्टी हो जाएगी आपकी। और जो असाइनमेंट 1 है सर और पहले लेक्चर्स उसका मैं क्या करूं? वीडियो के अंदर है, देख के कर देना। जी बस क्या मतलब है, 1 मिनट रह गए, आप ये कॉपी कर लें इस चीज को और फिर मैं साइन आउट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अटेंडेंस ठीक है सर, इसके बाद दोबारा क्लास स्टार्ट होगी? हाँ होगी भाई, क्या चाह कर रहे हो? ठीक है सर, ये कॉपी हो। हाँ मैं आपको ये आप कॉपी पे सॉल्व करें, मीन वाइल आपको असाइनमेंट मिल रहा है। असाइनमेंट जो है आपके पास गूगल क्लास में आएगा, उसमें आपने इमेज खींच के टर्न इन कर देना है।
अस्सलाम वालेकुम। Third done हो गया सर। जी हो गया तब से? यस सर। जी सर असाइनमेंट कर लिया। वाओ मुबारक, गुड सर। लेकिन अभी सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? 5:50 पे आएगा ना। दिखा दो सर। दिखा देता हूँ मैं।
अच्छा यहाँ पे आएगा थोड़ी देर में। ये रहा 5:50 पे आएगा। ठीक है सर। ये जब ये ग्रे से ब्लू हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। गूगल का साबुन स्लो है मुझे लगता है। सर यस जी सर, रीलोड करना पड़ता है उसको, याद दिलाना पड़ता है। सर लास्ट वाले के आंसर में हमें थोड़ा डाउट हो रहा है। हमें हमें क्या मतलब? हमें मतलब मुझे डाउट क्यों हो रहा है सर? उसके अंदर रूट के अंदर x3 आ रहा है ना। ये लाइव हो गया भाई असाइनमेंट। हाँ क्या कह रहे हैं सर? रूट में x3 है ना, तो वो जब हम उसको डेरिवेटिव निकाले ना इंटरनल। अब मैं करवा देता हूँ यार, जितनी देर में तुम बोलोगे उतनी देर में जवाब ही आऊंगा। इसको करो डब्बे में बंद। जवाब आया हमारे पास d/dx 4x-2। इसका डेरिवेटिव 0 आया, इसका डेरिवेटिव आया 1। जवाब बोलो क्या हुआ? इसका जवाब आया 4e 4-4x यानी अगर 4 इधर आ जाएगा पावर 4x-2 ये आंसर है। 4x e ये सर ये आंसर है। इसका जवाब क्या होगा? -9e-9x। हाँ बिल्कुल सही। यस सर। इसका क्या हुआ? बस थर्ड वाले में डाउट। थर्ड वाला आपको हिला दिया। इसमें हमारा आंसर ये आया है ई रूट के अंदर 3x/6 रूट के अंदर x। चले मैं कराता हूँ, मुझे पता था फंसेंगे आप। तीसरे वाले में सर मिटा दूँ सारा? यस यस सर। ये ना सवाल, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, जहां आपको लगे कि ये सवाल आपके दिमाग से बाहर का है तो आप क्या करें, आराम से शराफत के साथ इसको आप क्या कर दें, अलग-अलग सॉल्व कर दें। आप लिखें 3x/2 सही, और इसका जवाब क्या होगा? 1/2 पहले आ जाएगा, 3x 1/2-1 d/dx इंटरनल का डेरिवेटिव 3x। जवाब क्या हुआ? 1/2 3x -k/2 3 dx/dx सही, ये हो गया 1। फाइनल जवाब क्या हुआ? 3/2 3x, ये हो गया आपके पास -k/2। ये हम यू भी लिख सकते हैं 3/2 √ 3x, ये उठा के आप बराबर में लिख दें इसके, ये आप बराबर में लिख दें। ठीक है मेरा बच्चा, ये रहा आंसर। जहां आपको लगे कि आपके पास e के ऊपर ऐसी पावर है जो आपको संभाल नहीं सकते आप उसको, इसको सेपरेटली आप रफ वर्क में सॉल्व करके कर लो। ठीक है,
सर ओके आप मुझे आधे घंटे के अंदर अभी क्लास खत्म करनी है यू इंटू भी करवाऊंगा यू अपॉन भी करवाऊंगा इसमें मुझे मैक्सिमम टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट लगेगा और आखिर 10 मिनट्स के अंदर मैं वाई डबल डैश करवा के आपकी छुट्टी कर दूंगा ठीक है ओके यस सर चलो भाई मिटा दूं नहीं अभी एंट्री हुई है हो जाएगी एंट्री जल्दी से आ जाएं आप क्लास में कोई मुझसे कुछ कह रहा है कोई मुझे कुछ कह रहा है या आपस में बात कर रहे हैं सर किसी को माइक से नंबर आई सर ये सबमिट टर्न इन करना है उसको बोलना कौन बोल रहा है सर हाँ भाई बोलो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट भी जमा कराया था उसके भी मार्क्स ही मिले और अभी आधा भी करवा दिए मैंने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कराया था टेन भी कर दिया था उसी बार अच्छा। मार्क्स भी नहीं मुझे मिले मैंने अभी कब मैंने मार्क्स दिए हैं आपको बताया मैं तो क्लास ले रहा हूँ नहीं पर जो सुबह करवाया था हमने हाँ तो मैंने कभी चेक नहीं किया ना ठीक है हाँ अभी दिखा दे दो आपका असाइनमेंट आया नहीं आया आपको क्लास में दिखा के जाऊंगा परेशान ना हो ठीक है जी मुन्ना हो गया सबका बिठा दूँ यस सर अच्छा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे जो आने वाले जो दो टॉपिक हैं वो एक जैसे समझ लें कि वो जो है आपस में बहनें समझ लें या भाई समझ लें जो चाहे समझ लें तो टॉपिक का नाम है यू डू वी ओके अच्छा अब ये बताइए बॉयज अगर मैं यू को कह दूँ कोरमा और ये यू कह दूँ और वी को कह दूँ मैं खीर तो बताइए आप कैसे खाएंगे दोनों एक वक्त में खाएंगे या अलग अलग करके खाएंगे जी अलग अलग सर अलग 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 बताएं पहले तो खाएंगे फिर खीर खाएंगे अरे वाह वाह यही पूछना था मुझे बिल्कुल सही जवाब बताया इसका मतलब पहले आप कोरमा खाएंगे और खीर को घूरते रहेंगे बैठ के सही उसके बाद क्या कहेंगे कोरमे की प्लेट आप जो खा चुकी होगी वो वहीं छोड़ देंगे और आप फिर खीर की प्लेट खाएंगे ऐसा हो गया नहीं होगा हाँ बोले सही होगा ऐसे ही होगा ना तो ये फॉर्मूला इसको कहते हैं यू इंटू वी इसको क्या कहते हैं यू इंटू वी का फॉर्मूला है हमारे पास और ये ऐसे ही काम करता है सही है इसको भूख लग रही हो तो जाके खा ले ओके जबरदस्त अच्छा
अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं यूट्यूबी की, अब हमें करना क्या है, सवाल हमारे पास किस तरह से होगा, सवाल होगा वाई इज इक्वल टू आपके पास टू एक्स, बल्कि टू एक्स इन टू, बल्कि आसान सवाल लेते हैं बिल्कुल, तो उससे भी आसान लेते हैं। एक्स इन टू e टू द पावर थ्री एक्स, हम ये सवाल ले लेते हैं। अब आपकी मर्जी इसको यू लें, आपकी मर्जी इसको वी लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप करेंगे क्या, लिखेंगे u इज इक्वल टू एक्स, यार एक साथ आ जाओ ना सारे के सारे, आप क्या करेंगे u इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे और आप यहाँ पर लाइन बनाएंगे और v लिखेंगे e टू द पावर थ्री एक्स, ऐसे ही होगा नहीं होगा, ओके इसको इक्वेशन नंबर ए कहते हैं आप, और आप लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा हमारे पास वन होगा, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा हमारे पास ई टू द पावर थ्री एक्स इन टू कर्ली ब्रैकेट थ्री डी एक्स अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट जवाब हो गया वन। तो हमारे पास यू डैश जो हुआ यानी डी यू अपॉन डी एक्स हुआ वो हमारे पास हो गया वन, और v डैश जो हुआ यानी डी वी अपॉन डी एक्स जो हुआ वो हो गया हमारे पास थ्री थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स, ओके। अब आपने क्या करना है, क्या फार्मूला ए में रखना है, फार्मूला ए क्या कहता है, यह हमारा y डैश, पहले लिखो u डैश, u डैश की वैल्यू क्या है बोले वन वन डॉट, v की वैल्यू क्या है पावर थ्री एक्स, यू क्या है हमारे पास एक्स, वी क्या है हमारे वी डैश क्या है हमारे पास थ्री की पावर थ्री एक्स, ये आंसर है, ठीक है इसको लिख लें। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके पास करके बताइएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के फाइव एक्स, एक सवाल ये है, एक और सवाल है वाई सर एक्स माइनस वन ई टू दी पावर, एक्सक्यूज मी सर, जी मुन्ना बोलो सर, ये इसे सॉल्व, ये बीच में लाइन लगा के ऐसे ही करना होगा या ऊपर नीचे करके करने, नहीं नहीं लाइन लगा के कर ले आपको आसानी होगी, जगह कम घेरेगी, जरा करके बताएं, दो सवाल है तीसरा सवाल लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू e की पावर वन प्लस के टू एक्स इन टू रूट एक्स, तीन सवाल हैं, अच्छे आसान आसान सवाल हैं, जल्दी से कर लें, 6:03 हो गए हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हैं? जी सर, ये रिमशा कह रही है, अरे यहाँ तो dy upon dx आएगा ना, हाँ सर, किस जगह पे? मैंने गर्मा में देखा मात्रा से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अरे ये dv upon dx ही आएगा या dy upon dx आएगा? dv upon dx, ओके आपने लेट कर लिया ना पर कि u बराबर है x के और v बराबर है e की पावर 3x के, अभी तो क्या है, अभी तो कोरमा और खीर की बात की थी ना हमने, नहीं की जी जी, ठीक
लोग क्या सोच हो के आ रहे हैं क्या, क्या लेट जाएंगे क्यों कर रहे हैं? सर असाइनमेंट चेक कर लिया आपने? बेटा असाइनमेंट तुम्हारे सामने सिस्टम खोल के बैठा हुआ हूँ मैं, तुम असाइनमेंट देख रहे हो, अब मुझसे बोलो चेक कर लिया। कंप्यूटर के अंदर घुस जाऊँ कैसे चेक करूँ बताओ मुझे? सर डन हो गया। गुड सॉल्व करवाऊं
ऐसा करवा दें स्टार्ट, हम बस तीसरे कर रहे हैं। जबरदस्त कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ओके गाइस हम शुरू कर रहे हैं सवाल को, ठीक है? ओके सर, ओके। हमारे पास जो पहला सवाल है हम लेते हैं इसको, y = e की पावर x स्क्वायर। y = x स्क्वायर e की पावर माइनस k 5x, इसको ही लें, इसको भी लें, हमने क्या किया, लिखा u is equal to x square और v is equal to लिखा e की पावर माइनस के 5x और आपने ये लाइन लगा दी। तो du upon dx जो हुआ वो हुआ 2x और dv upon dx जो हुआ वो हुआ e की पावर माइनस 5x ब्रैकेट माइनस 5 dx upon dx वन, यानी माइनस फाइव ई की पावर माइनस के फाइव एक्स, ये हो गया वी डैश और यू डैश हो गया टू एक्स। अब बताइए फार्मूला क्या था, फार्मूला था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डैश इंटू वी प्लस यू इंटू वी डैश। अब बताइए यू डैश क्या है, टू एक्स है, वी क्या है हमारे पास ई की पावर माइनस के फाइव एक्स, यू कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर और वी डैश कितना हमारे पास माइनस फाइव ई की पावर माइनस फाइव एक्स और ये आंसर आ गया। लिख लें दूसरा करवाया सर। सही, सब ने लिख दिया, मिटा दूं क्वेश्चन वन, सबने कर लिया? यस सर, यस मिटा रहे सर। ओ सर की पावर फोर एक्स, ठीक है? सॉरी ये du है, du अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वन x की पावर माइनस वन, माइनस वन डनर का डेरिवेटिव बन गया तो आपका जवाब होगा माइनस वन अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया u डैश। अब बताओ v डैश कितना हुआ, ये हुआ e टू द पावर फोर एक्स डॉट फोर dx अपॉन dx, आपने बनाया ये, इसको कर दिया ये, यानी
v' हो गया हमारे पास 4 e की पावर सर अगर इसको u को हम x माइनस 2 छोड़ दें तो जब भी सही रहेगा ना आंसर हां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इससे फर्क नहीं पड़ता तो हमने y' क्या है हमारे पास y' बराबर है हमारे पास u' है हमारे पास माइनस 1 x की पावर स्क्वायर डॉट v e टू द पावर 4x प्लस के u यानी x की पावर माइनस 1 into v dash and your 4 e to the power 4x. Yeah. Ho gaya? लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा कहां से घूम घूम के आ रहे हैं लोग सर लास्ट वाला करवा दें सर ये भी सही आंसर है अच्छा वाटर मिटा दूं यस सर यस सर यस सर अच्छा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन के बाद जो है हमारे पास क्या है y is equal to e to the power 1 plus k2x into root x u किसको लें e की पावर रूट x डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव 2 तो फाइनल जवाब आएगा u डैश इज इक्वल टू 2e1 plus 2x अच्छा v dv upon dx क्या होगा हमारे पास ये होगा आपका 1 upon 2 root x डायरेक्टली लिख दिया मैंने आपको करेंगे भी हो जाएगा इसमें तो v डैश इज मैम अबाउट 1 upon 2 root x फाइनल जवाब क्या आएगा y डैश में आएगा 2e1 plus 2x into v plus u 1 plus 2x into e to the power और final आया हमारे पास 2 root x ये जवाब आया final ठीक है ये टर्म हमारे पास u dash है ये टर्म हमारे पास v है यहाँ पर u है यहाँ पर v dash है ठीक है यस सर चलें आगे यस सर अच्छा अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं
अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो फिर क्या होगा? सही, क्यों? अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो क्या होगा? यानी अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, e टू द पावर 1 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट x, तो इसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो भी करवाता हूँ आप. तो मैं भी करवा रहा हूँ ना. एक सवाल तो ये था, दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? y is equal to x की पावर माइनस वन अपॉन e की पावर 4x. और पहला सवाल ये था कि y is equal to x square अपॉन e की पावर माइनस के 5x. शुरू करें सर. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले पुराना वाला मिटा देते हैं, यानी ये वाला मिटा देते हैं. जब भी कोई चीज़ अपॉन में आएगी, जब भी कोई चीज़ अपॉन में आएगी उसका फार्मूला जो है बदल जाएगा. आप लिखेंगे u अपॉन v. इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? इसका फार्मूला है v u डैश माइनस के u v डैश अपॉन v स्क्वायर. देखें, जो चीज़ जहाँ पे ख़त्म है उसी से शुरू होगी. जो चीज़ ख़त्म v पे होगी वो v से ही शुरू होगी, तो v u डैश माइनस के u v डैश होगा. अब आपने जो सवाल लिखा था ये वाला सारा का सारा, वो आप एज इट इज को छाप दें और करना भूल भी नहीं. आपने v की वैल्यू लिखनी है. v क्या है हमारे पास बोले? रूट एक्स. यू डैश क्या है हमारे पास? 2e की पावर 1 प्लस 2x. माइनस के u क्या है हमारे पास? u है हमारे पास e की पावर 1 प्लस 2x. और v डैश क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 2 रूट एक्स के पावर. इसको आप डिवाइड करके नीचे शराफा से ले आइए, ये हो गया अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर. और ये जवाब है सही है सर. बस आखिर में फॉर्मूले में पुट दूसरे तरीके से करना है, बस ये करना है, बाकी सब कुछ बाकी सब सेम है. अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए करके, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए करके. अभी हाँ कहाँ से?
सेम सवाल सर, वो सॉल्यूशन कहाँ गया अभी जो था? हाँ सेम सवाल है, और अभी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, जैसे मैं इसको साइड में जो है, अभी स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं तो फिर मैं इन सारों को कर देता हूँ, आपको लाइव कर देगा। क्या हो गया, वेयर आर यू भाई? आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वन करें ना। हो गया सर, क्वेश्चन टू भी करें क्वेश्चन वन भी करें। हो गया सर, हो गया, फॉर्मूला में तो रखने थे। हाँ कर लिए, गुड। बस इस वाले के अंदर फॉर्मूले में ये के v पहले, हाँ v into u और फिर u into v, लास्ट वाला सेम ही है बस। कर लिया सर, हो गया। उसी वक्त 10/10 लिख दूंगा उसमें, ठीक है? क्लास में याद दिलाना, मैं उसी वक्त कर दूंगा, सही है? याद से, याद से। ओके सर, भाई साहब कर लो, जवाब बताओ जी सर। आगे चले, आगे चले, क्वेश्चन टू भी बताओ, क्वेश्चन वन भी बताओ करके फिर टॉपिक एंड कर रहे हैं और हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। टॉपिक का नाम है मल्टीपल डेरिवेटिव्स। फिर आपकी छुट्टी।
ठीक है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, असाइनमेंट सिर्फ असाइनमेंट वन की बात कर रहा हूँ। सर डन, आंसर बताएं सर। नहीं नहीं मुझे आंसर तो पता है, मैंने तो करवाया, कोई मसला नहीं। अच्छा हमारा जो लास्ट टॉपिक है मिड टर्म से रिलेटेड, वो टॉपिक है हमारे पास मल्टीपल डेरिवेटिव्स। अच्छा y इज इक्वल टू लेट से लिखा हुआ है x की पावर 6 और उन्होंने कहा है फाइंड करो y टोटल डैश। ओके अब जब फर्स्ट टाइम वो डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आएगा 6x5, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब आएगा 30x4। ये मल्टी डेरिवेटिव कहलाता है। हाँ ये तो 120x3³, ये जवाब है इसका। ठीक है अब हमारे पास लेट से y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x⁻²। आपको फाइंड करना है y 1, 2, 3, 4 फोर टाइम डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका, -2x⁻³। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, +6x⁻⁴। y ट्रिपल डैश होगा हमारे पास -24x⁻⁵। और y फोर टाइम डेरिवेटिव होगा इसका, ये हो गया 520 प्लस के 120x⁻⁶। आंसर हो गया आसान है। यस सर, इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्या कह रहे हैं आप सर, मिड टर्म में इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, फाइंड मल्टीप्लिकेशन। हां हां लिखा हुआ होगा, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा सर। ये फर्स्ट वाला प्लीज अगेन रिपीट कर दें। इसमें क्या रिपीट करूं सर, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 6x5 कैसे आया, क्यों बताओ, 6 पहले आ गया x6 वाले पर भाई, 6 पहले आ गया x⁻¹। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना। फिर आपके पास अगेन आपने डिफरेंशिएट किया तो 5 6 30, x⁻¹ 4, तो 34। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। माइनस में जो होगा वो यहाँ पर 2 के बाद फिर 3 फिर 4 5 और यहाँ पर प्लस में इसकी पावर जो है वो 6 के बाद 5 4 इस तरह से जा रहा है, x की पावर n है ना, माइनस वन लगता रहेगा ना तो वो चेंज होती रहेगी, ऐसे ही है ना। ओके सर, ओके। अच्छा सर ये जो y के साथ जो हम डेरिवेटिव के लिए डैश लगा रहे हैं ये कितने भी लगे हुए आ सकते हैं, नहीं 3 से 3 या अपने एग्जांपल के लिए 3 या 4 में उससे ज्यादा नहीं होंगे। ओके 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 सर, ठीक है मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, असाइनमेंट दे रहा हूं मैं और आपकी छुट्टी कर रहा हूं। मिड टर्म हमकी तैयारी हो गई है, हमारी लास्ट असाइनमेंट है उस क्लास, ये प्लीज बंद कर दें, पता नहीं कौन बातें कर रहा है।
ये असाइनमेंट अभी दे, अभी मैं दे रहा हूँ, अभी रात 12 तक। हाँ रात 12 तक ऐसे ही, मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ और असाइनमेंट जो है आप सुबह दीजिए कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर आपको टीवी देने का शौक है तो आप पढ़ाई को छोड़ दें, क्योंकि आप टीवी इतने जोर पर चला रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो असाइनमेंट 3 है, टॉपिक का नाम है मिड असाइनमेंट 3, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पर, y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स की पावर 3x2। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3x अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x की पावर -3 फाइंड y ट्रिपल डैश। ये 3 सवाल हैं, ज़रा लिख लें आप उसको और मैं वहाँ पे असाइनमेंट खोल रहा हूँ ताकि आप उसको जमा करवा दें आज रात 12 बजे से पहले पहले, ताकि मैं उसको मार्क कर दूँ। सर ये 2 यू इंटू यू वी वाले और तीसरा मल्टी डेरिवेटिव, बस सही है, इसको आप लिख लीजिए फिर आप छुट्टी कर दें। सर इसका टाइम कितने बजे तक है? 12 बजे तक। सर कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया आपने? मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ, एक मिनट रुकेगा सर बस। ये टीवी बंद कर दे भैया आप। सर ये टीवी बंद कर दे सर। हो गया, मैं असाइनमेंट ओपन कर रहा हूँ। यस सर। सर वो सोशल वाली जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है? बेटा इसी पे डालेंगे। अच्छा वो डालेंगे उसमें सोशल वाले जो हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, और मतलब उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट रखिएगा, उस वर्ड डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा हुआ हो और उनके कॉन्टेक्ट हो, और मुझे अभी के भी कम बता दीजिए क्लास के अंदर, मैं साथ के साथ सीपी लगा दूंगा। मैं सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया, मैं अभी आपको उस पे वर्ड डॉक्यूमेंट भेज देता हूं। चलिए 12 पिक्सल में करवा। क्या कह रहे हैं? 12 बजे का सबमिट करवाना है। हाँ हाँ ये तो अभी हो जाएगा। ठीक है सर, वो टू का असाइनमेंट कर लिया मैंने, वो भी चेक कर। मिड असाइनमेंट, मिड असाइनमेंट 3 आपको ये टॉपिक लिख दिया मैंने, इसको स्केड्यूल कर दिया, ये लाइव होगा 6:45 पे लाइव हो जाएगा। ठीक है ओके, ये आपको असाइनमेंट मिल जाएगा 6:45 पर, और असाइनमेंट आप लोगों के पास है ऑलरेडी, इसको आप जो है मुझे करके मुझे भेज दीजिएगा। ओके तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, मैं असाइनमेंट दिखा दूँ किस किस के आ गए हैं मेरे पास। सर ओके सर, सही है जी। अच्छा आपके पास ओके, यूशा बास, यूशा का असाइनमेंट आ गया है मेरे पास, उनके जो है 5 कर रहा हूँ मैं मार्क्स और रिटर्न कर। सर मेरा भी देख लें। यूशा थोड़ा माइक दूर करके बोला करो मेरा बच्चा, मेरे कान झंझना जाते हैं। मैंने नहीं बोला अभी ये सर, सर मैं ये बोलने वाला सर, ये रिमशा है मैंने उसी को बोला है, मेरे कान जो है काफी लग जाते हैं। थैंक यू सर, रिमशा हल्के बोला करो। नहीं वो असल में उसकी उम्र कम है ना, जज्बाती हो जाएगी।
वो पढ़ने में अच्छा है बच्चा मेरा ये। अरे वो खामोशी हो गया, बोल ही नहीं रहा। नहीं नहीं अच्छा है, बोलना अच्छा है, मगर मेरे कान जो है ना वो। सही असाइनमेंट तो राशिदा बीबी, आज राशिदा बीबी की आवाज़ सुनी नहीं मैंने, क्या हुआ राशिदा? हैं राशिदा बीबी की ना फोटो आ रही ना आवाज़ आ रही हैं, भी चली गई सर, शायद चली गई है। हाँ कॉल में तो आया सर, तो मैं मैसेज कर रही है ना, घर मैसेज कर रही है। असद की भी आवाज नहीं आ रही, असद क्या हुआ आज तुम्हें? असद इमरान सर, असद की नाइट चल रही है थी, वो सो भी होगा। ओह ऐसी कौन सी जॉब कर ली जहाँ पे नाइट चल रही है उसकी? जो रात की जॉब होती है ना, ये इंसान को बहुत तेजी से बूढ़ा करती है, बहुत ज्यादा तेजी। हमारे उन भाई के तो वाइट बाल ऑलरेडी है। नहीं नाइट की जॉब जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब चलाती है, मुश्किल जॉब होती है। दुनिया में नंबर वन जॉब जो है ख़तरनाक वो होती है, हाँ वो नंबर वन पे होती है, ये शिप पे जो होती है जॉब। हाँ सर वो तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक, 6 महीने के लिए जाना पड़ता है। हाँ सबसे ख़तरनाक जॉब होती है नंबर वन पे। ठीक है मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके जिन जिन के आए। नूरसबा आपने मुझे ए ग्रेड लाके दिखाना है। यस सर। आई एम रियली होपफुल इंशाल्लाह। आपके साथ जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास फेलोज हैं, आपको उनका आइडिया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में और मुझे बीबीए वालों से बड़ी उम्मीद है। सर रिजवान का आपने करा है अभी ऊपर? मैंने देखा नहीं था अपना, तो रिजवान देख लेंगे ना खुद जाके। सर उनको ईमेल आ जाएगी, उनके 5 नंबर लग गए। ओके सर ठीक है। ओके गाइस हमने यहाँ पे एक असाइनमेंट, बाकी 2 असाइनमेंट्स को मैं कर दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।